योगी के जनता दरबार में फरियादी अमन मणि, जेल में बंद पिता और मां को छोड़ने की विनती की। क्या योगी सुनेंगे अमन मणि की फरियाद? यूपी इन्वेस्टर्स समिट से फ्री होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याओं के हल के लिए जनता के लिए पूरा दरबार खोला गया और इस बीच में योगी के इस कार्यक्रम में फरियाद लेकर पहुंच गए अमन मणि त्रिपाठी। नौतनवा के पूर्व बसपा विधायक अमन मणि त्रिपाठी पहुँच गए जनता दरबार लेकर अपनी फरियाद। सीएम योगी को अमन मणि त्रिपाठी ने एक पत्र सौंपा जिसमें अपने पिता अमर मणि त्रिपाठी और अपनी मां मधु मणि त्रिपाठी को रिहा करने की अपील की गई। अमन मणि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिलकर उनसे अपील करते हुए कहा है, सरकार द्वारा कुशल आचरण वाले कैदियों की सजा माफ की जा रही है। मेरे पिता और माता दोनों अब तक 18 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में उनकी क्षमा याचना का पत्र लंबे समय से विचाराधीन है। आप अगर आदेश दे देंगे तो मेरे पिता और माता की सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब ये योगी के हाथ में है या फिर जेल प्रशासन के, पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि अमन मणि त्रिपाठी के पिता और उनकी माता ने ऐसा क्या किया जो वो 18 सालों से जेल में बंद है और उनकी याचिका पर सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। इस कहानी में अहम रोल है अमर मणि त्रिपाठी का। मधुमिता शुक्ला जो कि लखीमपुर जिले की कवियत्री थी, मंचों पर वीर रस की कविताएं पढ़ती थी, अमर मणि के संपर्क में आ गई तो नाम बड़ा हो गया। नाम बड़ा हुआ तो मंच से मिली शोहरत और सत्ता से नजदीकी ने उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना दिया। इस बीच अमर मणि से उनका रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए और मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में उन पर गर्भपात का दबाव बनाया जाने लगा। उन्होंने गर्भपात नहीं करवाया तो 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोष राय और पवन पांडे के साथ अमर मणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी और भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी को इस मामले में आरोपी बनाया गया। प्रदेश में उस वक्त बसपा की सरकार थी और अमर मणि त्रिपाठी मंत्री भी थे। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया। गवाहों से पूछताछ की गई तो दो गवाह पलट गए और इधर मधुमिता की बहन पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने केस को लखनऊ से दिल्ली या तमिलनाडु ट्रांसफर करने की अपील की। कोर्ट ने साल 2005 में ये केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने पांचों लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अमर मणि त्रिपाठी नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सजा में कोई फर्क नहीं पड़ा, सजा बरकरार रही। दिसंबर 2002 में मधुमिता का एक पत्र सामने आया जो उनके कमरे से मिला था। इसमें मधुमिता ने लिखा हुआ था, 4 महीने से मैं माँ बनने का सपना देख रही हूँ। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों इसे अपनी कोख में रख कर हत्या कर दूँ? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा। मधुमिता का ये पत्र जाँच टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ और हत्या के बाद मधुमिता की कोख में मर चुके बच्चे का डीएनए टेस्ट भी किया गया था। उसका मिलान अमर मणि त्रिपाठी के डीएनए से हुआ तो दोनों डीएनए एक निकले और यहीं से अमर मणि त्रिपाठी के करियर का ग्राफ नीचे जाते जाते सीधे जेल तक पहुंच गया। मायावती ने अमर मणि को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद साल 2007 में अमर मणि ने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा था और लक्ष्मीपुर गेट से जीता भी था। लेकिन 7 महीने बाद ही जब मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हो गई तो पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया। इस सब के बाद अब इनके बेटे अमन मणि सीएम योगी के सामने फरियाद लेकर पहुंचे हैं कि अमर मणि और उनकी मां की जान को बख्श दिया जाए, उनकी सजा को कम कर उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब योगी इस मामले में क्या कर सकते हैं या योगी इस मामले में क्या करेंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वैसे आप इस अमन मणि की अपील के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रियल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।